प्राथमिक विद्यालय मठिया नगला में संचारी रोग नियंत्रण अभियान पर हुआ 3 दिवसीय ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर सीरीज का आयोजन। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जी ए राही, एआरपी डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय व जयपाल सिंह ने दिए बच्चों को उपयोगी टिप्स। डॉक्टर अमित शर्मा की नवाचारी पहल से शुरू हुई श्री दर्शन ऑनलाइन अतिथि व्याख्यान माला के अंतर्गत हुए ऑनलाइन अतिथि व्याख्यान। बीएसए विनय कुमार एवं खंड शिक्षा अधिकारी फरीदपुर विकास कुमार के निर्देशन में विकास खंड फरीदपुर के प्राथमिक विद्यालय मठिया नगला में श्री दर्शन ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर सीरीज के अंतर्गत संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान पर 3 दिवसीय ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया, जिसमें CHC फरीदपुर के वरिष्ठ डॉक्टर अधिकारी जी ए राही, एआरपी डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय एवं श्री जयपाल सिंह ने अभिभावकों, ग्रामवासियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं पूर्व विद्यार्थियों को संचारी रोग के विषय में सविस्तार बताया व संचारी रोगों पर नियंत्रण हेतु उपयोगी टिप्स भी दिए। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आपने स्कूल को ऐसे मैनेज करके रखा है जहाँ एजुकेशन की क्वालिटी भी अच्छी है, दूर दराज के बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, जैसे अभी संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है और दस्तक अभियान चल रहा है, थोड़ा सा प्रकाश डालिए, ये अभियान क्या है? ये देखिए, ये जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कॉमनली फैलनी शुरू हो जाती हैं, और इसका मेन जो वजह होता है वो बरसात का पानी हमारे आसपास में इकट्ठा होता है, उसमें जो मच्छर पैदा होते हैं उससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी होती है, जो अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हो तो ये जानलेवा साबित होती है। तो ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है संचारी, और एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है जो वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ और बहुत सारे जो कारक इसके हैं वो एक दूसरे से फैलते हैं। तो कोशिश है इस सप्ताह में या इस पूरे मंथ में संचारी वीक मना करके लोगों को अवेयरनेस दिया जाए कि इस बीमारी को हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये है इस संचारी और दस्तक अभियान का जो मोटिव है वो यही है कि इस बीमारी को कैसे मिनिमाइज किया जाए। ये संचारी रोग एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक दूसरे से फैलता है, तो इसमें जैसे जानवरों से आदमी, जैसे मान लिया संचारी रोग में आप कह सकते हैं कि एड्स आता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, मलेरिया है, मलेरिया एक व्यक्ति को अगर किसी को मलेरिया की बीमारी है, मच्छर ने उसको काटा, फिर उसी घर में या उसके आसपास के एरिया में उसने दूसरे किसी को काटा।